नमस्कार साथियों, मैं आज उन विषयों पर बात करना चाहता हूं जिसके बारे में कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में किसी का ध्यान नहीं गया। आज देश के ऐसे कई व्यापारी हैं, ऐसे कई लोग हैं जो आर्थिक संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें होटल व्यवसायी लगभग 2 महीने से होटल बंद पड़ी है, परंतु उनको होटल का किराया, बिजली का बिल देना पड़ रहा है। हेयर कटिंग वाला, उसकी भी स्थिति ऐसी है, उसको भी दुकान का किराया और बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। वो बिजली का बिल भरना पड़ रहा जो उसने उपयोग कराई नहीं, बिजली का बटन दबाया नहीं, और सरकार उससे बिजली का बिल वसूल कर रही है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इनका बिजली का बिल माफ किया जाए, इन्हें आर्थिक मदद की जाए। बस, ट्रक, टैक्सी वाले की हालत ऐसी है, लगभग 65 दिन से भी बंद पड़े हैं, फिर भी इनको टैक्स लग रहा है। सरकार को उनको टैक्स में छूट देनी चाहिए। बस का कंडक्टर, सभी प्रकार के ड्राइवर, खल्लासी, लगभग 65 दिन से ये घर पे बैठे हैं। इनके बारे में भी सोच के सरकार को इनको मदद करना चाहिए। हलवाई, कैटरिंग वाले, बैंड बाजे वाले, घोड़ी वाले, टेंट वाले, इन सब की भी आज की स्थिति में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। इन लोगों की भी सरकार को मदद करना चाहिए। फेरी वाले, चाट के थैले वाले, पाव भाजी के थैले वाले, जूस सेंटर वाले, ये भी काफी दिन से घर पे बैठे हैं, सरकार को इनकी भी मदद करना चाहिए। आर्थिक पैकेज अलग चीज है और आर्थिक मदद अलग चीज है। पैकेज जब आएगा, पर वर्तमान परिस्थितियों के लिए सीधा इनको आर्थिक मदद करना चाहिए। छोटे व्यापारियों को, कपड़े व्यापारी हो, छोटे शोरूम वाले हो, लघु उद्योग वाले हो, इनको लोन के बजाय वर्तमान में इनको सीधी आर्थिक फायदा देना चाहिए। साथियों, किसान की हालत भी खराब है, मंडियां पूर्ण रूप से चल नहीं रही है, मंडी में भाव नहीं किसान की फसल का। ऐसी स्थिति में किसान को आगामी फसल बोने के लिए बीज की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में किसान को भी सीधा आर्थिक फायदा पहुंचाना चाहिए। साथियों, मैं एक वकील हूं, लगभग कोर्टों को पूर्ण रूप से खुले हुए 65 दिन हो गए, सिर्फ आवश्यक कार्य के लिए कोर्टें खुली हुई है। 90% वकील कोर्टों में जा नहीं रहे हैं। वकीलों की भी आर्थिक स्थिति काफी डगमगा गई है। सरकार को इनको भी आर्थिक सहायता देनी चाहिए और कोर्टों को नियमित रूप से खोलना चाहिए। भारत देश एक धार्मिक देश है, इस देश में सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो साथियों, सरकार से निवेदन है कि सभी मंदिर, सभी मस्जिद, सभी गुरुद्वारे, सभी चर्च खोले जाए, क्योंकि भगवान इस कोरोना महामारी को समाप्त करेगा। कहा जाता है कि दवा से ज्यादा दुआ में असर होता है, इसलिए सभी धार्मिक स्थान भी खोलने चाहिए। मैं गोदी मीडिया से भी कहना चाहता हूं
एक एक बात को 25-25 बार दिखा देते हो, उसको छोड़ते हुए वर्तमान में जिन छोटे छोटे व्यापारियों, छोटे छोटे लोगों और मध्यम वर्गीय परिवारों को जो समस्या आई है उसको बताओ और सरकार का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करो ताकि उन लोगों की सरकार मदद कर सके। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, अधिक से अधिक लाइक करना ताकि इन लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंच सके और सरकार इस पे कुछ न कुछ निर्णय ले सके। जय हिंद, जय भारत।